चीज को कैसे ठीक किया जाए जैसे आपने ठीक किया, तो ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया मैसेज होगा। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, जब हम विषय की बात करते हैं, उसको ठीक करने की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है कि हम उसे ठीक करना क्यों चाहते हैं। हमारा अपना जो विल पावर है, हमारा जो अपना पर्पस है, वो कितना स्ट्रांग है। जब इंग्लिश की बात आती है, तो मेरे पास इंग्लिश सीखने का बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि मैं इंग्लिश से हार चुका था, और इंग्लिश के चलते मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था जो मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। तो इस इंग्लिश से मुझे बदला लेना था, ये मेरे लिए कोई विषय नहीं थी। मैं कई बार अपने सेमिनार्स में भी बता चुका हूं कि इंग्लिश मेरे लिए कोई विषय था ही नहीं, ये जीने मरने वाली बात थी, ये औकात वाली बात थी, ये एक युद्ध था कि आप बड़े कि मैं बड़ा। तो औकात पे आने वाली बात थी कि भैया कोई विषय मुझे कैसे हरा सकती है, किसी विषय से मैं कैसे हार सकता हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर दुनिया की कोई भी विषय क्यों ना हो। तो जब आप लड़ने लगते हैं, जब आपके लिए विषय विषय न रह के एक युद्ध हो जाता है, तब तो डेफिनेटली आप जीत जाएंगे, वो विषय ही है, आप इंसान है, तो आप खुद उस विषय से तो कहीं बड़ी औकात है आपकी। तो इंग्लिश जो मेरे लिए रहा, एक आप कह सकते हैं एक लड़ाई का मामला रहा, मुझे बदला लेना था कुल मिला के। आपने गजनी मूवी देखी होगी, जो भी लोग यहाँ पे, तो आमिर खान उस मूवी में जब एक्ट्रेस मर जाती है, तो बदला लेना था उसको, तो वो जो रिवेंज लेने की शक्ति है, वो बहुत बलवान बना देती है इंसान को, बहुत शक्तिशाली बना। दो चीजें आपको शक्तिशाली बना देती है जिंदगी में, पहला द पावर ऑफ लव, दूसरा द पावर ऑफ टेकिंग रिवेंज। ये दो शक्तियां हैं कि या तो आपको बदला लेना हो, और या तो फिर आपको बड़ी मोहब्बत हो जीतने से, या तो आपको हार से बदला लेना, या तो आपको जीतने से मोहब्बत हो, या तो आपको हारने से नफरत हो। तो इन दो चीजों में बड़ी शक्ति है। अब उस एक बदला लेने के चलते वो बहुत शक्तिशाली बन गया, वो ऑर्डिनरी सा इंसान, उसने अपने आप को कितना अधिक स्ट्रांग बना लिया था उस मूवी में हम लोग देखते हैं। यही चीज हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होता है कि जब आपको बदला लेना होता है, विषय ही है, और अगर आप किसी विषय में हार रहे हैं, तो ये आपके लिए तो एक ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आप बदला लें। और मजा उन्हीं चीजों को ग्रैब करने का, उन्हीं चीजों को पाने का है जो चीजें आपसे दूर भाग रही हो, या जो चीजें आपके कंट्रोल में ना हो, जो चीजें अभी आपसे ऊपर चल रही हैं, लेकिन आप उससे कहीं ना कहीं ऊपर हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए पहली चीज है ये एक स्ट्रॉन्ग पर्पस कि आप सीखना क्यों चाहते हैं। दूसरा, एक अच्छा मेंटरशिप मिल जाए, एक अच्छा माहौल मिल जाए, हमें कुछ अच्छे लोग मिल गए, हमें अच्छे आप कह सकते हैं कि कुछ फ्रेंड्स मिल गए, जो हम लोग मिलके कोचिंग के बाद भी, कोचिंग के एक घंटे से आप इंग्लिश नहीं सीख पाते, उसके अलावा आपको एक दो घंटे बाहर में एक ग्रुप बना के आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो हम लोग दो चार पांच लोग की ऐसी एक सर्किल हो गई थी, जो हम लोग कोचिंग के बाद भी फील्ड में कहीं बैठ के, पार्क में कहीं बैठ के, और इंग्लिश में डिबेट करते थे, इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन करते थे, और एक दीवानगी थी कि भैया इंग्लिश सीखना ही है। एक ऐसा पागलपन था कि मैं भूतनाथ रोड से और नया टोला जाता था, और पैदल जाता था, साइकिल से नहीं जाता था, तो भूतनाथ रोड से नया टोला जाता था मैं, और शकील सर के पास में पढ़ने के लिए जाता था, और पैदल जाता था। तो पैदल इसलिए जाता था ताकि मुझे अधिक वक्त मिलेगा, मैं बोलता हुआ जाऊंगा, बोलता हुआ आऊंगा। तो मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है। तो कोई ऐसा शॉर्टकट मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी चीज का। आप खुद मैथ पढ़ा रहे हैं, आप खुद मैथ के इतने बड़े फैकल्टी हैं, तो आपको पता है कि मेहनत है, प्रैक्टिस है, और वो जुनून से होता है, वो जुनून पर्पस से आता है। आप सीखना क्यों चाहते हैं, आप कुछ करना क्यों चाहते हैं, आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, वो चीज अगर किसी को मिल गई, तो डेफिनेटली ये विषय तो एक सिलेबस है, इंसान तो अनलिमिटेड पोटेंशियल उसके अंदर होता है, विषय तो फिर भी एक घेराव है उसका, वो तो सीख ही लेगा।